आदरणीय महावीर प्रसाद तोरली जी, इस अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच के संस्थापक और स्तंभ, हमारे मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद शबीर साहब, फॉर्मर वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, श्रीमती डेजी राजपाल जी, श्रीमती सविता गुप्ता जी, डॉक्टर मनजीत कौर मक्कर जी और यहाँ उपस्थित सभी बहनें और भाई, सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ तोरली साहब का, जिन्होंने मुझे आपके विशेष सभा में आमंत्रित किया और आपके साथ कुछ समय और कुछ विचार साझे करने का अवसर प्रदान किया। हंसराज महाविद्यालय की विद्यालय की जो प्रिंसिपल साहब बोल रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये जो है एक दिन का मतलब नहीं है कि महिला दिवस हो, हर दिन महिला दिवस होता है और अगर महिला दिवस ना हो तो सारा घर समाज और देश सुनसान हो जाता है। आपके प्रेम की भावना, सेवा की भावना और प्रेरणात्मक विचार पूरे परिवार को संगठित रखते हैं, उनको प्रेरित करते हैं और उनको शक्ति प्रदान करते हैं कि अपने अपने कार्य को वो आगे बढ़ाएं और कार्यान्वयन करें। तो ठीक कहा गया कि जो महिलाएं हैं वही परिवार में पूरे नैतिक मूल्यों को उसका संचार करना, उसको एक तरह से स्थापित करना और अगले जनरेशन तक उसको पहुंचाना, इसका बड़ा भारी कार्य करती हैं। और नैतिक मूल्य ना हो तो पूरा समाज, परिवार, देश अव्यवस्थित हो जाता है। मुझे याद आ रहा है एक कहा था, एक शेर था जिसमें कहते हैं कि कैसी भी हुकूमत की व्यवस्था हो, चाहे वो राज है, चाहे डिक्टेटरशिप है, चाहे और कोई हो, कहते हैं जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज। तो दीन का मतलब है उस कुल मालिक के साथ जुड़ना और हमारे नैतिक मूल्यों का आधार क्या है, वो सिर्फ ऊपर के उस जुड़ने के साथ ही उसकी प्रभाव होती है। हम उसके साथ जुड़ते हैं तो प्रेम भावना, सेवा भावना, निम्रता की भावना, लोगों के प्रति सच्चाई के साथ अपना पूरा बर्ताव करना, ये सब सारी बातें ऊपर से ही जुड़ने के साथ हमारे अस्तित्व में, हमारे विचारों में ये चीज प्रवाहित होती और शामिल होती है। ये हमारे देश का सौभाग्य है कि जितने लोग यहाँ पे हमारे देश में जन्म लेते हैं उनको एक कुदरत की तरफ से बड़ी भारी कृपा उनके ऊपर होती है, बख्शिश होती है कि उनके अंदर एक तीव्र भावना है कि अपने बाकी सारे काम काज को करने के साथ साथ कुछ समय निकाल के, शांतिपूर्ण समय निकाल के उस कुल परमात्मा की, उस सर्वशक्तिमान शक्ति के साथ जुड़ने का प्रयास करें। इसीलिए हमारे अपने मंदिर भरे हुए हैं, हमारे अपने जितने चर्चेज हैं, जितने ईदगाह हैं और जहाँ भी धर्म स्थान है पूरे यहाँ पे भरपूर तरह से लोगों की वहाँ हाजिरी होती है और सारे कार्य संपन्न होते हैं। अब ऐसे देश में जहां हम ऊपर से प्रेरणा स्रोत ले रहे हैं तो किसी भी अपने फेलो ह्यूमन बीइंग्स के साथ, हमारे साथ जो अपना जीवन शेयर करते हैं उनके साथ एक अनुचित व्यवहार करना बिल्कुल नामुनासिब है, क्योंकि अगर वहां से हमें प्रेरणा आ रही है तो सबके साथ भला ही करना अनिवार्य है। उसके साथ कब जुड़ेंगे, वो कहते हैं प्रेम का सागर है, कब जुड़ेंगे उसके साथ, जब हम उसके सारी सृष्टि के जितने भी जीव जंतु हैं उनके साथ प्रेम के साथ हम व्यवहार करेंगे। और प्रेम के साथ व्यवहार करने का मतलब सात्विक व्यवहार, सात्विक उनके साथ आदान प्रदान, कोई भी धोखा
कोई भी रंजिश के साथ पेश आना, कोई अत्याचार, वायलेंस, इन चीजों का कोई समावेश नहीं होना चाहिए हमारे दैनिक विचार व्यवहार में। परिवार के अंदर भी हम देखे हैं, कई समझते हैं जी हम परिवार के आगू हैं, तो दूसरे परिवार जनों के साथ क्रोध भी कर लेगा और एक तरह से जोर जबर भी कर लेगा, जो कि ईश्वर का जो प्रथम कानून है प्रेम सेवा निम्रता, उसका घोर उल्लंघन है। और मैं आपसे कह दूं, कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह से व्यवहार करेगा जिसमें ये जो मूलभूत चीजें हैं उसका उल्लंघन हो, तो उसको उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। और हमारी माता जी कहती थी कि अगर घर में बहुत छोटा सा भी बच्चा हो 3-4 साल का, उसके साथ ही सम्मान पूर्वक आदर जनक व्यवहार करें। ठीक है, पुरानी आत्मा है, वहां किसी संस्कारों के साथ आई है, आज इसकी 4-5 साल का है और पुरानी अनुभवी और संस्कारी आत्मा है, उसके साथ पूरे सम्मान के साथ व्यवहार करें। हम कहते हैं हमारा देश धर्म प्रधान देश है, सर्वधर्म सम्मान देश है, पर धर्म प्रधान देश में हमारे सार्वजनिक स्थानों पे महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होता है और उनके इज्जत के ऊपर हाथ उठाए जाते हैं कि कौन सा भाई इसके साथ ये धर्म की बात ही जुड़ती है, घोर उल्लंघन इसका। मेरे हिसाब से जो ऐसा करते हैं उनको हिंदू मुसलमान ईसाई किसी धर्म के अनुयायी होने का कोई हक नहीं है। तो इन बातों पे हमें बहुत पूर्ण विचार करना चाहिए और महिलाएं जो है क्योंकि तो परिवार में नैतिक मूल्यों को स्थापित करना और संचारित करने का बड़ा भारी एक उनका कर्तव्य भी और उनका कार्य भी है। जैसे भाई साहब कहते शबीर साहब, कुदरत की तरफ से उनको ये व्यवस्था दी गई है, आपका काम है। तो सबको देखना होगा कि अपने परिवार में कोई ऐसे गलत मूल्यों का विस्तार ना हो और लोग उस तरफ गलत रास्ते पे ना जाए। अब कोई इस तरह से बदमाशी करे सार्वजनिक स्थान पे, किसी का इज्जत के साथ खेलने की कोशिश करे, तो कई ऐसे कमेंट कर देंगे, अरे क्या भाई इसकी उम्र, क्या उम्र, उम्र कुछ नहीं। हमारी कानून की व्यवस्था में इतनी सख्ती होनी चाहिए कि अगर कोई जुर्म करे उसकी वक्त उसको पकड़ के और सख्त सजा दी जाए। हमारे देश में एक बड़ी भारी खामी है, मैं कह रहा हूँ इतने साल दिल्ली का गवर्नर था, 7 साल से भी ऊपर, हमारे लॉ बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे, भाई साहब कह रहे थे बच्चे हमारी बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत अच्छे अच्छे कानून है, ये व्यवस्था चाइल्ड प्रोटेक्शन वुमेन प्रोटेक्शन फलाना ठिकाना, उसका जो कार्यान्वयन है वो कमजोर है। और यहाँ चलता है कि अच्छा इसकी सिफारिश आ गई किसी पॉलिटिशियन की, कोई थैलियों का व्यापार हो गया, वो कानून की सारी व्यवस्था एक तरफ रख दी गई दरकिनार, और जो दोषी है उसको हमने खुला छोड़ दिया और जो निर्दोष है उसके ऊपर संगत डाल दिया, क्या ही? इसके लिए हमें बड़ा जागरूक होकर चलना होगा, क्योंकि मैंने कई बार कहा मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, मैं मानता हूँ मेरा भारत महान, और दोबारा पुनर्जन्म का किसी को मौका मिले तो भारत के अलावा किसी देश का चयन नहीं करना चाहिए। भारत का आपने कॉमर्स 65 देशों में सरकारी खर्चे पे गया, वहाँ के जो वैल्यू सिस्टम्स हैं, जो सारा वाइब्रेशन चल रहा है उनके आबो हवा में, उसका कोई मुकाबला नहीं हो भारत देश के साथ। यहाँ पे सभी लोग सुबह शाम 5 बार भाई बहन हमारे नमाज पढ़ते हैं, क्यों? उसके साथ जोड़ने का एक प्रयास है। सभी जाते हैं मंदिर मस्जिद कोई गुरुद्वारा, ये हमारे खास मैं पूछता ये हूं कि ऐसे देश में
नारी स्वरूप शक्ति शोक इनके साथ हमारा दुर्व्यवहार कैसे उचित है और क्यों होता है। मैं जब लेफ्टिनेंट गवर्नर था मैंने यहाँ तक कहा था, हमने वो हेल्पलाइन शुरू की, 165 पुलिस स्टेशन है, 24 घंटे की हेल्पलाइन, किसी भी महिला को कोई आपत्ति हो तो वहां करके वहां पे अपना वो दर्ज कराए। फिर हमने पुलिस कमिश्नर से पूछा वो किस तरह की आपत्तियों का उल्लेख कराते हैं जब ये स्टेशन पे आती है। उन्होंने कहा 95% में घरों में मारपीट हो घर चल। मैंने कहा अगर मेरा हाथ चले मैं कानून बना दूं कि एक बार वार्निंग देने के बाद अगर कोई व्यक्ति अपने घर की किसी महिला पे हाथ उठाने का जुर्रत करे उसको मैं दिल्ली से बाहर निकाल दूंगा, बाहर आउट, दिल्ली आउट। दिल्ली पुलिस एक्ट में सेक्शन 47-48 एक्सपेल फ्रॉम दिल्ली, जब तक वो जाकर वृंदावन में मस्तक होकर के प्रायश्चित ना करे दोबारा आए हाथ जोड़ के। तो ये सब जो है कहना कि सब ठीक है सब चलता नहीं चलता है। और मैं आपसे इतना बता दूं जो उसके अपने अटल कानून की उल्लंघन करेंगे उनके लिए एस्कॉर्ट्स हार्ट सेंटर के कमरे में बेड्स तैयार हैं। और आजकल कौन सी चीज बहुत विकसित हो रही है, हेल्थ केयर, और हेल्थ केयर में इसकी ज्यादा भर्ती होगी। दो तो उसके कानून के अंदर अपने आप को बांध के रखेंगे, ईश्वर का जो ऐश्वर्य कानून है सबों पे लागू है, सारे अपने मानव जाति पे लागू है, किसी धर्म का उसमें कोई ये दखल नहीं है। क्राइस्ट सेड माय लॉ एंड रिलीजन इज द रिलीजन ऑफ लव। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं साच कहूं सुन लो सबै जिन प्रेम कियो तिन लव पायो। अब प्रेम का या तो आप रास्ता प्रेम का करो, इस्लामिक सेंटर वगैरह में कहा आजकल जो मार धाट हो रही है उसके साथ जुड़ने के लिए प्यार मोहब्बत और हलीमी खिदमत ये चीजें काम देंगी। या तो रास्ता प्यार का या तलवार का, भाई प्यार का रास्ता अपनाओ जुड़ना उसके साथ, नहीं आप जितना बच्चे दस्तक देते रहो दरवाजा नहीं खुलेगा। सभी धर्म ग्रंथों की बातें लिखी, एक तो मैं इनको टोनी जहां साहब को बहुत बधाई देता हूं, इन्होंने ऐसी संस्था का गठन किया जिसने सबों को जोड़ने का प्रयास किया। भारत और नेपाल का जाति नेतृत्व का सवाल है, जब मैं कॉमर्स सेक्रेटरी था मैंने ऐसे ऐसे ट्रेड में लिबरलाइजेशन की, उन्होंने हमने कहा कि आप कोई भी वहां मैन्युफैक्चरिंग करो खुद सर्टिफाई करो, हमने इतना वैल्यू ऐड किया और आपका सामान जीरो ड्यूटी पे इंडिया में आएगा। उनके प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ने उन्होंने कहा कि अगर आप इसके लिए तैयार हो हम आपको नेपाल का ऑनरेरी सिटीजन बना देंगे। क्यों, आपस में मित्रता जोड़ना है आपस में। और यहाँ जितनी महिलाएं कार्य कर रही है अपने परिवार से बाहर निकल के समाज की सेवा की आपने, इसलिए आपको चुना गया इसके सारे फंक्शन के लिए, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको ईश्वर और भी शक्ति प्रदान करे और प्रेरणा दे कि आप किसी रास्ते पर बढ़ते चले जाएं और डरना नहीं। लोग कहते हैं डरे सो मरे, और डरना इसलिए नहीं क्योंकि अगर आप उस कुल मालिक की शक्ति के साथ जुड़ोगे तो बड़ा हाई टेंशन शक्ति चल रही है, और जुड़ना कैसे ध्यान करके, वहां से अगर शक्ति आदमी शुरू हुई तो कोई जरूरत नहीं करेगा कि आपके पास भी आ जाए, क्योंकि 132 किलो वोल्ट का जब करंट चलता है ना कोई छुएगा उसकी इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाएगी उसी वक्त। आप काम करते रहे आगे बढ़ते रहे, देश को संभाले अपने परिवार को समाज को संभाले, और जहां तक हो सके ये संदेश जरूर दें, ये जो समाज में हमारे एक बात प्रचलित है सब चलता है, भाई सब नहीं चलता। उसके दरबार में कहते हैं साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, उसका जो भी उल्लंघन करेगा उसके लिए फिर उसको कहते हैं ना फिर डंडे का हिसाब करना पड़ेगा।
और मोदी जी भी लगे हुए इस काम पे, महिला शक्ति के विकास के लिए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कौशल वगैरह का पूरा प्रोग्राम। मैं यही चाहता हूँ कि उनके नेतृत्व में जो एक मुहिम चल रही है उसमें ऐसा वातावरण पैदा हो कि अगर कोई भी सार्वजनिक स्थान पे किसी भी महिला की इज्जत के साथ खेलने की कोशिश करे तो मोदी जी की लाठी जरूर उसके तक पहुंचे और उसको सलाह।